राजस्थान का जोधपुर जिला। इस जिले में मंडोर रोड पर एक गांव पड़ता है मनई। इसी गांव के किसान रंजीत सिंह देवड़ा का नाम आजकल यहां हर किसी की जुबान पर है, और हो भी क्यों ना। 52 साल के रंजीत देवड़ा आज न सिर्फ एक प्रगतिशील किसान हैं, बल्कि एक सफल कारोबारी भी हैं। अलोवेरा की खेती में हाथ आजमाने से न सिर्फ रंजीत की जिंदगी बदली, बल्कि इनके पूरे परिवार की काया पलट ही हो गई है। लेकिन स्थिति कुछ साल पहले तक बिल्कुल विपरीत थी। साधारण खेती करने वाले रंजीत सिंह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे थे। सीमित संसाधन थे और ऊपर से राजस्थान की पथरीली जमीन, पानी की बेहद कमी और कम बारिश, यानी कुल मिलाकर खेती कुदरत पर निर्भर थी। ऐसे मुश्किल हालात में अपनी 40 एकड़ जमीन में भी रंजीत सिंह को परिवार पालना भारी पड़ रहा था। पहले हम लोग मिर्ची बोते और बाजरा भी बोते, और मिर्ची में पानी बहुत देना पड़ता है, और बाजरा बारिश नहीं होती जब होता नहीं है, कपास इसमें भी पानी देना पड़ता है। परेशान हो चुके रंजीत सिंह की ऐसे मुश्किल वक्त में मदद की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने। इन कृषि विशेषज्ञों ने रंजीत को अलोवेरा की खेती करने की सलाह दी। चूंकि राजस्थान के जोधपुर जिले में ज्यादातर जमीन पथरीली है, पानी का लेवल बहुत नीचे है और बरसात भी काफी कम होती है, ऐसे में किसी ऐसी फसल का चुनाव ही सबसे उपयुक्त माना जाता है जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत न पड़े, लागत भी कम आए और बाजार में भी बढ़िया दाम मिल जाए। इन सभी मापदंडों को परखने के बाद कृषि विशेषज्ञों ने रंजीत सिंह को अलोवेरा की खेती करने की सलाह दी। हमने अलोवेरा की खेती की शुरुआत इस वजह से की कि हमारे यहाँ जोधपुर की जो ये जलवायु है, इस जलवायु के हिसाब से, और मेन क्या है कि पानी की कमी की वजह से पहले जो हम लोग खेती करते थे कि बाजरा है, मूंग है, मोठ है, कपास है, इस खेती में क्या पानी ज़्यादा लगता है। अभी हमारे यहाँ पानी जैसे जैसे गहरा होता गया तो फिर हमने कृषि विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने हमारे को बोला कि आपके जलवायु के हिसाब से एलोवेरा सबसे अच्छा या बेनिफिशियल रहेगा, तो हमने वो हिसाब से एलोवेरा की खेती की है। कई साल से अपने खेतों में कपास और ग्वार की खेती करने वाले रंजीत सिंह देवड़ा दरअसल शुरू से ही कुछ नया करना चाहते थे। इन्हें खेती बाड़ी में नए नए प्रयोग करना अच्छा लगता था। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर रंजीत ने नई तकनीक और फसलों को बदलकर नए तरह की खेती की शुरुआत कर डाली। रंजीत देवड़ा ने पारंपरिक फसलों से अलग अलोवेरा की खेती में हाथ आजमाया और यहीं से इनकी कामयाबी का सफर शुरू हो गया। रंजीत ने अलोवेरा की खेती में ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही बरस में रंजीत देवड़ा एक आम किसान से संपन्न व्यवसायिक किसान बन गए। इनसे सीख के हमारे अदर किसान है और भी किसान भाई लोग हैं, उन्होंने भी कोशिश की है और खेती की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे रंजीत सिंह जी ने यहाँ पे एक छोटी सी शुरुआत की है, जूस की फैक्ट्री वगैरह लगाई है,
और अच्छा परिणाम मिल रहा है। इससे आगे हमारी अच्छी ग्रोथ बढ़ेगी, तो हमारे गांव में ऐसे ये एक अच्छा शुरुआती दौर है। रंजीत सिंह देवड़ा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में कृषि वैज्ञानिकों से आयुर्वेद के बारे में जानकारी ली। औषधीय खेती और उसके गुणों की गहन जानकारी ली। फिर क्या था, रंजीत ने अपने खेतों में ग्वार पाठा यानी एलोवेरा की खेती की शुरुआत की। रंजीत सिंह ने पूरी तैयारी के साथ अपनी 40 एकड़ जमीन में एलोवेरा की खेती शुरू की। खेतों की अच्छे से जुताई करने के बाद उसमें देसी खाद मिलाई गई। इसके बाद खेत में सीधी क्यारी बनाकर एक एक फुट की दूरी पर एलोवेरा के बल्ब लगाए। एक बल्ब की औसत कीमत लगभग 70 पैसे आती है और एक बीघा जमीन में तकरीबन 800 एलोवेरा बल्ब लग जाते हैं, मतलब कि एक बीघा खेत में 5,500 रुपए के बल्ब की लागत आ जाती है। पहले खरपतवार खड़ाई किया, ट्रैक्टर जोता और ट्रैक्टर जोत के पौधे लगाए, और पौधा लगाने के बाद पानी भी दिया, देसी खाद दिया, वो ऑर्गेनिक खाद ही देते हम, देसी दूसरा कोई अंग्रेजी अंग्रेजी कुछ नहीं डालते हैं। और कभी बारिश हो जाती है तब पौधा भी अच्छा हो जाता है, पानी का वेग यहाँ बहुत कम है। एलोवेरा या फिर तृत कुमारी की खेती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये राजस्थान की जलवायु के बिल्कुल मुफीद है। इसमें पानी देने या सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। मसलन 30 से 40 दिन में एक बार सिंचाई से काम चल जाता है। इसके अलावा सिर्फ बारिश के पानी से भी इसकी बढ़िया फसल ली जा सकती है। चूंकि राजस्थान में पानी का लेवल काफी नीचे है और बरसात भी यहाँ कम ही होती है, लिहाजा एलोवेरा की खेती किसानों के लिए एक अच्छी आमदनी का विकल्प हो सकती है। एलोवेरा खेती की एक और खास बात यह है कि इसमें कोई खास लागत नहीं आती। इस फसल में किसी तरह के रासायनिक खाद या कीटनाशक की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। यानी 4 से 5 महीने की इस फसल में लागत सिर्फ नाम मात्र की आती है और पैदावार बहुत बढ़िया होती है। और इतना ही नहीं, बाजार में अच्छी मांग की वजह से एलोवेरा की फसल के दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। विष्णु राजस्थान के अलावा देश भर में एलोवेरा के उत्पाद सप्लाई कर रहे हैं। बेहतर विपणन के लिए देवड़ा परिवार समय समय पर देश के तमाम इलाकों में लगने वाले व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भी हिस्सा लेता है। इन व्यापार मेलों में देवड़ा परिवार को बेहतर प्रतिक्रिया भी मिलती है। एलोवेरा की खेती में किसी खास तरह की देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा खेत की गुड़ाई का ध्यान रखना होता है। घास, खरपतवार और एलोवेरा के ही सड़े गले पत्तों को खेत से चुन चुन कर बाहर निकाल दिया जाता है। एलोवेरा की फसल की साल में 2 बार कटिंग भी होती है। मोटे तौर पर 4 महीने में एलोवेरा की फसल पक जाती है, यानी एक बार गर्मियों में तो दूसरी बार सर्दियों में एलोवेरा की कटिंग की जाती है। कटिंग के वक्त बड़े चाकू से एलोवेरा के पौधे में घाव लगाकर गूदेदार फल को निकाला जाता है। एक बीघा एलोवेरा के खेत में साल भर में लगभग 15 टन एलोवेरा होता है। बाजार में इसका 2 से 3 रुपए प्रति किलो का भाव मिलता है, यानी एक बीघा में करीब 30 से 40 हजार रुपए की फसल। और इतना ही नहीं, बाजार में इस फसल को हाथों हाथ
ले लिया जाता है और इसका भुगतान भी नकद मिलता है। ₹3 किलो मिलता है और 4-5 महीने तैयार होने में लग जाता है। 5 महीने के बाद काट के बाजार भेज देते हैं तो 40-45 हज़ार बिगो प्रति पड़ जाता है। एलोवेरा की खेती की इस नई शुरुआत में रंजीत देवड़ा का साथ निभाया इनके बेटे विष्णु देवड़ा ने। विष्णु ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली और मुंबई में नौकरी की काफी तलाश की लेकिन कोई खास सफलता इन्हें नहीं मिली, लिहाजा वापस गांव आकर विष्णु ने खेती में ही हाथ आजमाए। आज देवड़ा परिवार की पहचान एक उन्नत किसान परिवार के तौर पर होती है। परिवार का हर हाथ आज खेती में रम चुका है। रंजीत के अलावा उनके बेटे विष्णु देवड़ा भी खेत में खूब पसीना बहाते हैं, खेतों में एलोवेरा की फसल की खुद देखरेख भी करते हैं, समय पर नलाई गुड़ाई भी कराते हैं, फसल तैयार हो जाने पर उसकी कटिंग भी खुद मजदूरों के साथ करते हैं। यानी कुल मिलाकर आज ये परिवार एलोवेरा की खेती में ही अपना भविष्य देख रहा है।